कैंपेन के लिए, और बॉम्बे से हम लोग सब लोग आए हैं, और अब दिल्ली में करेंगे, इसके बाद फिर और कई जगहों पे जाने वाले हैं हम लोग। और सबसे पहले तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं हमारी फिल्म की हीरोइन स्मृति कश्यप, देव शर्मा हमारे लीड रोल जो इस फिल्म में कर रहे हैं, विनय मेहता इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और आनंद माथुर जी इज ऑल्सो प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। और यहाँ आए हैं हम आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, जनता के आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है अभी आप लोग। और मैं बताना चाहूँगा ये हमारे कैप्टन ऑफ द शिप राजेश मिश्रा जी हमारे डायरेक्टर हैं, इनका इंट्रोडक्शन रह गया था जी। इसकी एक भी नहीं मिल रही है, बिकॉज इसकी जो सोच में जो एक लड़की है, इसकी कल्पना में एक लड़की है, वो नहीं मिली है अभी तक। एंड फाइनली व्हेन ही सी कल्पना फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसकी वो कल्पना और रियल कल्पना जो है वो जुड़ती है, और वहाँ से कहीं जाके फिर से पहली बार प्यार होता है और वो आगे चीज़ें बढ़ती हैं। तो इस शिव को जो है, शिव भगवान को बहुत मानता है, मैं रियल लाइफ में मानता हूँ, और उनसे धन्यवाद करता है कि मेरे इतने सालों के सोमवार के व्रत कहीं ना कहीं काम आ गए। हालांकि मैं कभी कभार चोरी कर लेता था, कुछ खा लेता था छोटा मोटा, बट आपने मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए मेरी मनोकामना को पूरा किया। एक हमने देखा कि मोस्ट बैचलर एलिजिबल कुछ इस तरीके से था, तो क्या मतलब बैचलर का रोल आपका है या मिल जाती आपको? बैचलर का ही रोल है, टुवर्ड्स द एंड क्लाइमेक्स में जाके पता चलेगा कि बैचलर ही रहने वाला है आगे चल के भी, या फाइनली जो है इसको इसकी प्रेमिका मिल जाती है। स्मृति, आपका रोजा टीवी शो था, काफी फेमस हुए आप उसमें जो आप कैरेक्टर प्ले करते थे, सो कमिंग इन बॉलीवुड प्लेइंग डेब्यू कैरेक्टर, सो टीवी इंडस्ट्री को इसमें आप कैसा, आपको कुछ ड्रास्टिक चेंज लगा है कुछ से आपके लिए? इजी था, डिफिकल्ट? काफी चेंजेस है, मूवी शूट बहुत मतलब टेक्निक जो है ना बहुत डिफरेंट है सीरियल और मूवी में। मूवी सर हम लोग इंजॉय कर रहे थे बहुत, शाम में हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन टीवी जो है बहुत हेक्टिक है और नाइट शूट वगैरह चलता रहता है, बट मूवी में बहुत मजा आया। अब प्रोड्यूसर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आपने आमिर जाओ पिया में ऐसा क्या देखा कि आपने इस मूवी को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया? सबसे पहले आप सभी को जोहार मतलब हिंदी भाषा में बोले तो सबको प्रणाम और नमस्कार। हमारी कंपनी का भी नाम है जोहार एंटरटेनमेंट, और मैं बताऊं सबसे पहले कि जब हम लोगों ने सिनेमा बनाने की सोचा और हम मुंबई गए तो बहुत ऐसे एंटी पार्टिकल्स मिले, और वो सभी पार करते हुए हम लोगों ने एक सोचा कि एंटरटेनमेंट के साथ, जैसा अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि मैसेज जाना चाहिए, बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, लेकिन जब पूरी टीम को हम पूरी बटालियन को मुंबई से हम झारखंड ले गए, आप लोग सोचते होंगे कि झारखंड आज दिल्ली में जो बंदा रह रहा है वो झारखंड के विषय में सोचता है तो जाने से लोग डरते हैं, कहते हैं कि तो वहाँ पूरा नक्सल है, लेकिन आप पूरी क्रियो से पूछ सकते हैं कि झारखंड जैसा प्यारा स्थल हमको नहीं लगता पूरे भारत में, ठीक है, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य आप सिनेमा में देखेंगे, वहाँ की प्राकृतिक रोमांस पूरी सिनेमा में आपको देखने को मिलेगा, और पूरी 2 घंटा आदमी जब जाता है किसी भी थिएटर या किसी भी जगह पे तो चाहता है कि हम ऐसा एंजॉय करें जो 1 सेकंड के लिए भी खाली ना जाए, वैसा आपको हमारी सिनेमा में देखने को मिलेगा। इनकी नटखट भरा रोमांस, पूरी फैमिली आप बाप बेटी के साथ सिनेमा हमारा देख सकते हैं और भरपूर एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ तक रही हमारे बनाने की छोटी चल रही। मैं बताऊँ कि मैं बाई प्रोफेशन मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं कॉलेज चलाता हूँ, लेकिन शिक्षा के साथ मनोरंजन उतना ही आवश्यक है जितना खाने के साथ पानी पीना, या तो जो भी कह सकते हैं कि आप चटनी की जरूरत होता है खाने पचाने के लिए या रीच करने के लिए। ठीक उसी तरह जैसे हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसमें एक मनोरंजन बहुत अहम पार्ट है, उसी क्रम में हमने सिनेमा बनाना सोचा। और यह मैं बताऊं कि हम लोग की ही सोची समझी जो स्टोरी है वह हम डायरेक्टर साहब के पास प्रस्तुत की, हम ऑफर लेके गए और उन्होंने कास्ट किया इन दोनों को, और एक अच्छा रिजल्ट आप लोग के सामने है, और 7 अक्टूबर को पूरे भारतवासियों से हम आशा रख रहे हैं कि उनका आशीर्वाद और प्यार भरपूर हम लोग को मिले। मेरे सवाल है कुछ
के लिए सब आज ये शूटिंग तो 100% यू कैन से कि हमने झारखंड में शूट किया है, बट वो शूटिंग जो लोकेशन इन लोगों ने प्रोवाइड किया था, आप तो फिल्म में देखिएगा, इतनी भीड़ और इतनी खतरनाक, और जहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता था। अगर अगर मैंने बोल दिया सर मैं यहाँ शूट करना चाहता हूँ, ज़मीन आसमान एक करके इन लोगों लोकेशन हमें प्रोवाइड करते थे और हम जाते थे शूट करने के लिए। बट ये है, अच्छी बात ये है कि हमने शेड्यूल जो बनाया था बहुत ही कम्फर्टेबल शेड्यूल बनाया था। उस कंफर्टेबिलिटी की वजह से जैसे स्मृति ने भी बताया कि हम लोग बड़े इंजॉय करते हुए शूट किए, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग लेट टाइम शूट कर रहे हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं, शेड्यूल के हिसाब से आराम से सब शूटिंग है। क्योंकि स्मृति की भी पहली फिल्म है तो इस वजह से हमें भी थोड़ा कम्फर्ट करना चाहिए जरूरी था, और देव तो खैर कम्फर्ट यही पहले से ही। तो लोकेशन आप बहुत ही अच्छी लोकेशन है हमारे, और एक बार जब फिल्म लोग देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार ये लोकेशन विजिट की मतलब इंडिया में है, ये फील आएगा, ये मेरा विश्वास है। देव, कोई मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम दिस मूवी यू लाइक टू शेयर विद अस? केमिस्ट्री विद मैम, केमिस्ट्री विद स्मृति वाज अमेजिंग, क्योंकि हमारी वर्कशॉप मुंबई से जब हम निकल रहे थे उससे पहले ही की गई थी, जिसमें वहाँ का एक लहजा होता है जिसमें एक मिठास होती है, देखिए आइए और खाके प्रेम से जाइए, तो वो एक चीज थी जो मैं पकड़ना था। और साथ में ऑब्वियसली जब वो पेयर साथ में आ रहे हैं तो एक केमिस्ट्री के लिए हमारे जो सीन्स थे या जो एक प्रोसेस था टू गेट इन टू कल्पना इन कॉशन, वो राजेश जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से उस पर काम करके रखा था, तो ही गॉट अस। एंड अबाउट द मेमोरेबल मेमोरी, मैं बोलना चाहूँगा जितने दिन हमने शूट किए वहाँ पे, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा दिन था जिस दिन मुझे ऐसा ना लगा कि अरे यार ऐसी जगह इंडिया में है, बिकॉज एवरी डे देयर वाज अ न्यू लोकेशन, और हर लोकेशन की एक अलग बात थी। फॉर एग्जांपल, इट इज सो अमेजिंग कि आप ऐसे एक जगह जाके खड़े होकर ताली बजाते हो और ऊपर से पानी बरसता है, इस जगह का नाम है बरसो पानी, वो पहाड़ों के बीच में एक जगह है, आप वहां पे जाओ और जाके सिर्फ जस्ट क्लैप ट्वाइस एंड इट विल स्टार्ट रेनिंग। तो मैं तो मतलब ये बोला कि बेटा शूट भी करना है, क्योंकि मैं तो मेरे लिए तो ये हो गया यार ये क्या चीज है। तो एंड देयर वाज अनदर प्लेस जहां पे हमने गाना शूट किया था, सर कौन से जगह पर, हम बरसों पर बर्थडे के लिए एक किले याना दिल्ली नहीं, एक और नाम था परमा की जगह करके एस नाम है, तमाशी एक जगह है। वहां पे फनी पार्ट ये था कि वहां से हम सभी शिव भक्तों को स्पेशली आशीर्वाद मिला, वो इतनी स्लिपरी जगह थी जहां हमने रोमांटिक गाना शूट किया, हमें जो है एक दूसरे की नजरों में आंखों में देख के और बहुत ही रोमांटिक तरीके से एक दूसरे के साथ हमारे स्टेप्स थे, और हम सब कह रहे अरे तुम संभलना, हम कह रहे हाँ मैं ठीक हूँ, और लिटरली डायरेक्टर सर स्मृति मैं हमारे डीओपी हम सब एक ही बार पानी में लेके बैठे हैं। तो वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जिनको आशीर्वाद मिल रहा होता है उनको ऐसे मिलता है यहाँ, तो हमारे जो छोटे मोटे हमने किए होंगे त्रुटियाँ लाइफ में पाप किए होंगे वो मत भूल गया हमारे, दैट वाज मोस्ट मेमोरेबल। सर आपका सॉरी एक बस सीमा सीमा एक देखिए, फिल्म हम लोग पहले तो बिल्कुल झारखंड की ब्यूटी को दिखाने की कोशिश इसमें हम लोग किए हैं, और एक यूथ के लिए एक मैसेज भी देने का इस पूरे फिल्म में है कि आप गांव को छोड़ कर बाहर आ पाते हो, लेकिन गांव में भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं और उसको एक बेटरमेंट के लिए आप प्लान कर सकते हैं, जो कि कौशल एक नर्सरी स्टार्ट करके इसमें किए हैं, और बिल्कुल बेहतर तरीके से अच्छा किया जा सकता है, मतलब गांव में भी जाकर के बेहतर किया जा सकता है। यूथ लोग आज के डेट में एकदम बिल्कुल क्राउड में आकर के ही पूरे अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक मैसेज ये भी फिल्म में हम लोग देने की कोशिश की है, और टू सेव द प्लांट के पूरी तरीके से हम लोग इसको Are there some glances of reality? Is this story inspired from some real life? It's not real life. It's just fiction. How much time did it take?